बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, मंच पर उपस्थित मेरे छोटे भाई दिलीप पांडे जी। देखो एमएलए आपका होगा, मेरा तो छोटा भाई है, तो एमएलए वाला रिश्ता आप रखो, मैं तो अपने छोटे भाई वाला ही रखूंगा, मुझे तो वही रखना है। साथ साथ में दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मैडम निहारिका वोहरा जी, हमारे ड्यूसिब के दिल्ली भर में जितने भी स्लम हैं उन सब के मैनेजमेंट को देख रहे, वहाँ की व्यवस्थाओं को देख रहे आईएएस अधिकारी के महेश जी, जिन्होंने आपके सामने अभी अपनी बात रखी, और साथ साथ में समर बजाज जो बहुत ही एक हमारे बीच में युवा के रूप में बैठी हैं और जो एक इंटरनेशनल फाउंडेशन में उसको हेड कर रही हैं, यहाँ पे जो जिसके सौजन्य से इस प्रोग्राम को चलाने में, इस लाइट हाउस को बनाने में मदद मिली है, और इस लाइट हाउस को चलाने के पीछे, इस पूरे आइडिया को आगे लाने के पीछे जो चेहरा जो माइंड है उनमें से एक, और कम से कम मैं कहूँगा कि सबसे प्रमुख नाम रुचि माथुर जी, और इसको सपोर्ट कर रहे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन रजनीश जी जो सबसे पहले आपके बीच बोले, जो आजकल इस पूरे लाइट हाउस प्रोजेक्ट को गाइड कर रहे हैं आप जैसे कुछ साथी मिलके, मुझे बहुत खुशी है आप सबको मलकागंज में आप सबका स्वागत करते हुए। सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। ये सब लोग आज हमारे बच्चों को कुछ दिशा मिल सके, नौकरी के लिए, कैरियर के लिए कुछ दिशा मिल सके, उसके लिए आज यहाँ पे आए और लाइट हाउस का उद्घाटन किया है। अभी दिलीप भाई ने बड़े अच्छे से बताया कि लाइट हाउस का मतलब है मशाल वाला घर। ये नए बच्चे नहीं जानेंगे, पुरानी फिल्मों में खूब देखा होगा लाइट हाउस। लाइट हाउस पहले पुराना शब्द है, लाइट हाउस कोई नया शब्द नहीं, आजकल लाइट हाउस रह गया खत्म, अब तो लाइट पोल है, लाइट खंबा है। पहले खंबे अंबे होते नहीं थे, बिजली आती नहीं थी, तार वार होते नहीं थे, तो पहले क्या होता था, लाइट हाउस। लाइट हाउस को हिंदी में कहते थे मशाल घर। मशाल घर का मतलब होता था, लाइट हाउस का मतलब होता था नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, कहीं जंगल में, कहीं रास्ते में बिजली है नहीं, तो एक ऐसी टावर बना देते थे लोग, मतलब एक छोटा सा जैसे टंकी नहीं होती, टंकी सी बना देते थे और उस पर लाइट मशाल जला देते थे, तो रात के आने जाने वालों को दिखता था कि अच्छा वो लाइट हाउस दिख रहा है तो रास्ता उधर से है, समुद्र में कोई जा रहा है, नाव घेरा है, पता चला उल्टे दिशा में चला गया, जमीन से उल्टे चला गया, पानी 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 समझ नहीं आ रहा, तो लाइट हाउस दिखता था कि देखो उधर लाइट जल रही है ना, धरती उधर है। नदी में भी बड़ी चौड़ी चौड़ी नदियां थी, समझ में नहीं आता था इधर जाना है कि इधर जाना है, तो लाइट हाउस दिखता था, वो देखो किनारा, वहां पे गांव है या वहां पे कस्बा है, तो ऐसे करके पहले लाइट हाउस बनाए जाते थे। तो वही लाइट हाउस अब बिजली आ गई आपके यहाँ, हाईमास लगवा दी विधायक जी ने, घरों में भी लाइट है, तो आपको लाइट हाउस की ये वाले की जरूरत तो नहीं है जो पुराने जमाने की। लेकिन एक और अंधेरा है, बेरोजगारी का अंधेरा, समझ नहीं आता क्या करें, कैरियर के सामने अंधेरा ही अंधेरा है। तो जैसे पहले रास्ता दिखाने के लिए, मुसाफिरों को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस बनते थे, आज सरकार और हमारे तमाम साथी जो यहां बैठे हैं, बहुत सारे साथी इधर बैठे हैं, इधर खड़े हैं, मैं सबकी संस्थाओं के नाम लूंगा तो उसी में टाइम निकल जाएगा, ये सारे लोग मिलके ऐसे लाइट हाउस बना रहे हैं कि कैरियर की दिशा में भटक रहा बच्चा, नौजवान, जब उसको लगे कहां जाऊं कैसे करूं, एक दुकान वाला भी नौकरी नहीं देता है, क्योंकि जब मैं दुकान में नौकरी मांगने जाता हूं तो वहां फटाफट कोई अच्छे से बोलने वाला सेल्समैन की ट्रेनिंग लिए हुआ आदमी आ जाता है, कहां से नौकरी मिलेगी मुझको। तो ये लाइट हाउस उन सबका लाइट हाउस है
जिनको लग रहा हो कि अब हम जीवन में क्या करें, जब अंधेरा हो, अंधेरा चारों तरफ की समझ नहीं आए, तो मोटे तौर पे कैरियर का, नौकरियों का, नौकरी यहां आके मिलेगी नहीं, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो नौकरी लेने लायक बना देगा ये, उसके बाद में आप बच नहीं पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि यहां लाइट हाउस के दरवाजे से अंदर चले जाना और नौकरी मिल जाएगी, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि आपने अगर मेहनत कर ली और इनका एक महीने का और तीन महीने का या नौ महीने का जो कोर्सेज है वो कर लिए, तो अगर किसी दुकान में, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑफिस में नौकरी के लिए बाहर खड़े होंगे और दो लोग वहां पे खड़े होंगे, एक वो नौजवान होगा जिसने लाइट हाउस के कोर्सेज कर रखे होंगे और एक वो नौजवान होगा जिसने लाइट हाउस नहीं कर रखे होंगे, तो चुनने वाला पहले लाइट हाउस वाले को चुनेगा, ये मेरी गारंटी है। चुनने वाला पहले उसी को, आप खुद सोचो, मेरी छोड़ दो, चुनने वाले की छोड़ दो, मान लो आप कोई दुकान चलाते हैं, कोई ऑफिस चलाते हैं, कोई दफ्तर चलाते हैं, वहां पे आपको किसी आदमी को नौकरी पे रखना हो तो आप किसको रखोगे, जिसको ढंग में काम आता है, जिसको नहीं आता, किसको रखोगे? अपनी दुकान में आपको कोई रखना हो तो किसको रखोगे, जिसको ढंग में काम आता है, नहीं आता, जिसको काम आता है? बस आपको ये काम करना सिखाएंगे, आपको ये सोचना सिखाएंगे, आपकी आदतों में वो चीजें आ जाएंगी जिससे सामने वाला आदमी आपको नौकरी देने के लिए और ज्यादा चूज करने में आगे आ सके। तो ये लाइट हाउस आपके मलकागंज में खुल रहा है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने यहां पे इसके उद्घाटन में आए। लाइट हाउस के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं, खासतौर से हमारे वो बच्चे जो ग्रेजुएशन के एज में हैं, जो बारहवीं कर रहे हैं, बल्कि उससे छोटे वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जानना ये कि आमतौर पे बारहवीं क्लास के बाद हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी का दरवाजा खटखटाते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का दरवाजा खटखटाते हैं। यूनिवर्सिटीज कहती है कि हमसे बात मत करो, हमारी वेबसाइट से बात करो, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, हमारी वेबसाइट खोलो, वहां से एडमिशन ले लेना। कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं यूनिवर्सिटी में। आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के दफ्तर में जाओ, एडमिशन वाले दफ्तर में जाओ, बोलेंगे जी वेबसाइट पर चले जाना, हमें नहीं पता, ऑनलाइन भर देना। फिर आपका नंबर आया नहीं आया आपको ज्यादा पता नहीं चलता, फिर पता चलता है अच्छा उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ मेरा। तो यूनिवर्सिटी में अभी तक के सारे मॉडल, महेश जी, ये थे कि हमारा बच्चा स्कूल से पढ़ेगा, बारहवीं क्लास करेगी लड़की, बढ़िया नंबर लेके आएगी, फिर यूनिवर्सिटी में दरवाजा खटखटाएगी, बोले जी 90% है यहां ले लो, वो बोलेगा नहीं हमने तो 91% वालों को ले लिया, फिर कोई बोलेगा जी हाँ मेरे 90% है, नहीं नहीं जी हमने तो 92% वालों को ले लिया, हम नहीं ले पाएंगे आपको, वो झंझट। ये पहली यूनिवर्सिटी है जो आपको ये नहीं कह रही कि आप हमारे यहां आना, हम बताएंगे आपको लेंगे कि नहीं लेंगे। ये यूनिवर्सिटी ने एक तरह से अपना दफ्तर यहां खोल दिया, यूनिवर्सिटी आपके दरवाजे पर आ गई। ये खाली लाइट हाउस नहीं है, ये दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी का दफ्तर है, ये दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी का कैंपस है जो आपके मलकागंज में, आपके झुग्गियों में, आपके लोकलिटी में यहां पे खुल गया है। ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि अभी तक आप यूनिवर्सिटी के पास जाते थे, अब केजरीवाल जी ने ऐसी यूनिवर्सिटी बना दी है कि यूनिवर्सिटी मोहल्ले में आके करिए बताओ भाई। अच्छा यहां हर तरह के लोग रहते हैं, किसी को लगता है बच्चे भी हर तरह के हैं, किसी को लगता है हम पढ़ सकते हैं, किसी को लगता है डिप्लोमा करेंगे, किसी को लगता है सर्टिफिकेट का कोर्स करेंगे, तीन महीने वाला अंग्रेजी बोलने वाला कोर्स करा दो हमें आगे नहीं पढ़ना। ये यूनिवर्सिटी कहती है आप लाइट हाउस में आ जाओ, यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो गया, तीन महीने का कोर्स करना हो तीन महीने का कर लेना, नौ महीने का करना हो नौ महीने का कर लेना, तीन साल वाला करना हो तीन साल वाला कर लेना। ये यूनिवर्सिटी सीधे सीधे आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन देती है,
ये आपसे ये नहीं पूछती आपके 90% आए, हमको 91% वालों को दे दिया। ये बस ये चाहती है कि आप सीरियस होने चाहिए, मेहनत करने के लिए तैयार होने चाहिए। आपको एडमिशन यहां मिल रहा है और एडमिशन के बाद आप चाहें आपको 1 महीने 3 महीने 9 महीने के कोर्स करके नौकरियां कर सकते हैं। और आपको लगे क्योंकि तो घर में हमारे यहाँ हिंदी में एक शब्द होता है, मैं इसी ब्योत, हर घर का ब्योत समझो ना, ब्योत समझता हूँ क्या होता है, बच्चे नहीं समझते हैं छोटे छोटे, इधर बड़े लोग समझते होंगे। ब्योत का मतलब होता है जुगाड़, हमारा ब्योत बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है ऐसा बोलते हैं। मतलब है कि हमारे घर की परिस्थिति हमको अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है, हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी में 3 साल के लिए जाए कि नहीं जाए, पता नहीं फीस होगी कि नहीं होगी, पता नहीं आगे पढ़ाई हो पाए, हमें तो अभी नौकरी करानी है, अभी हमारा ब्योत नहीं है जी पढ़ाने का, हम तो नौकरी कराएंगे। तो जिस जिसको लगे कि हमको तो नौकरी करानी है तो यहाँ एडमिशन करा दो, 3 महीने बाद आपका बच्चा नौकरी करने लायक हो जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी। तो ये लाइट हाउस आपके बीच में खुला है, आप सब इसका पूरा फायदा उठाएं। इसके लिए जितने भी यहाँ हमारे स्किलिंग पार्टनर हैं, NIT फाउंडेशन है और बहुत सारे, टेक महिंद्रा है, टाटा स्ट्राइड है, मंजिल मिस्टिक्स है, कई सारे संस्थाएं हैं और फाउंडेशंस हैं जो ऊपर यहाँ बैठी हैं, सब लोग बहुत मेहनत करके इसको खोले हैं। और हमारे के महेश जी ने इसको बहुत मेहनत करके, महावीर जी कहाँ गए, और कई लोग जिन्होंने इंजीनियर्स ने इसको बनवाया है, बड़ा शानदार बना है ये। आप लोग थोड़ा घूम फिर के देख लीजिएगा एक बार, जरूरी नहीं है इस उम्र में एडमिशन लो, पर बच्चों के लिए घूम तो सकते ही हो, अब तो पड़ोस में आ गए। ये द्वारका वाली मैडम आई है यहाँ, ये द्वारका वाली मैडम की यूनिवर्सिटी देखने वहां जाओगे, ये आपके यहाँ यूनिवर्सिटी लेके आ गई। तो कभी कभी मैं बुजुर्ग लोगों से भी कहूंगा जो जिनको कॉलेज वॉलेज जाने का मन नहीं है, कोर्स करने का मन नहीं है, घूम के देख लेना, आप अलाउ करते हैं ना इनको घूमना, रुचि। और लोकल लोग अगर देखने आए कि भाई हमारे यहाँ लाइट हाउस कैसा खुला है तो मना तो नहीं करते, दरवाजे बंद है, हाँ जी बता दो। देखो मैं वही प्रॉमिस करूंगा जो आप बोलोगे, नहीं तो बोलोगे देखो नेता झूठ बोल के चला गया। सबके लिए खुला है, तो घूम के जाना और फिर सपना देखना कि हमारा बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से भी सबको शुभकामनाएं। अरविंद केजरीवाल जी अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहना। क्या काम है आपका? मैंने कहा अरविंद केजरीवाल जी अपना काम करते रहेंगे, आप अपना काम करते रहना। क्या करोगे? हर वक्त चुनाव मोड़ में रहते हो, लड़के ठीक है, पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, और जब किसी लायक बन जाओगे तो आपका दिल अपने आप करेगा वोट तो केजरीवाल जी को देना।